एक तरफ कोरोना महामारी का संकट गहराता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना मरीजों के मौत को लेकर कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिसमें 5G नेटवर्क की भूमिका मानी जा रही है। इसी कड़ी में 5G नेटवर्क को लेकर सीनियर एडवोकेट AP सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने 5G नेटवर्क को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया है। आज इंटरनेट का जिस तरह से प्रयोग हो रहा है, उससे कई बार इंटरनेट जैसे स्लो हो जाए, रुक जाए, बंद हो जाए, तो हमें लगता है हमारा जीवन पूरा ठप हो गया, पूरी गतिविधि रुक जाती है। तो ऐसे समय में जो आजकल जो इंटरनेट का बढ़ रहा है आगे, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए इंटरनेट का एक 5G का चल रहा है कि 5G को बढ़ाया जाए और दूसरे देशों समेत आज इसको 5G का जो प्रयोग कर रहा है उसका विरोध हो रहा है। पूरे देशों में, पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि मोबाइल कंपनियां 5G स्मार्ट की बिक्री भी शुरू कर चुकी है भारत में और अन्य देशों में भी। और एक वर्ष मतलब 2018 में कहेंगे आप कि गुड़गामा में एक चीनी कंपनी हुए नहीं थी, उसमें 5G का प्रयोग भी किया और आगे प्रयोग किया गया। अब इसमें हमने संज्ञान लिया है इसमें कि इंटरनेट यूजर्स की निजता को सबसे बड़ा खतरा है इसके द्वारा। अगर 5G आता है, आसानी से हैक किया जा सकता है और इसके बाद ज्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, जिसके लिए टावरों की आवश्यकता होगी। टावर बढ़ेंगे और टावर जितने ज्यादा रेडिएशन होंगे, ये निश्चित आप, उतना ही ज्यादा जीवन के लिए खतरा बढ़ेगा। 5G नेटवर्क 6GH2 रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलती है, जो कि पहले से सैटेलाइट्स व अन्य जगह पूरी भरी हुई है। और WHO की रिपोर्टिंग के मुताबिक, WHO की जो अनुसार रिपोर्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से शरीर का तापमान भी बढ़ता है। और आपने बताऊं, अप्रैल में 2020 की बात है, नीदरलैंड में 5G का नेटवर्क का जब प्रयोग किया गया तो वहां लोगों ने विरोध किया और विरोध बड़े स्तर पर हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुआ। और यहां तक पता चला है कि जीवन के लिए इतना घातक है कि दुनिया को पूरी तरह से बदलने का दावा करने की ये तर्क जो चल रहा है जीव जंतु के लिए, वो बड़ा खतरा है। 5G को लेकर ये अहम सवाल खड़ा हुआ है कि जब नीदरलैंड में टेस्टिंग के दौरान किया गया तो 300 के लगभग पक्षी वहां मर गए। जो तालाब में बतखें तैर रही थी वो आपस में लड़ने लगी, गिरने लगी, डूबने लगी, ऊपर होने लगी, और जो और दूसरे जानवर थे वो उनकी मौतें हुई। जब उन पर प्रयोग किया गया तो 150 जानवर तो उससे पहले मर गए, पक्षी एकदम गिर के मर गए जहां टावर का प्रयोग किया जा रहा था जिस तरह से। तो इलेक्ट्रिशियन रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है 5G में, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गलत है। स्विट्जरलैंड में 5G टेस्टिंग के दौरान भी गायों का झुंड भी ऐसे हुआ, वो एकदम गर्भावस्था दौरान, सबको पता है कि मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन महिलाओं तथा शिशु के लिए कितनी घातक होती है। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ 5G आतंकवादियों के लिए भी आगे देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करती है, उनकी भी सुविधाएं बढ़ जाती है 5G से आतंकवादियों की। और 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से टावर से जो रेडिएशन निकलता है वो हवा में निकलकर हवा को जहरीला बनाता है। 5G नेटवर्क रेडिएशन के कारण घर में हर जगह हल्का सा करंट सबको लग रहा है, सब करंट लग रहा है। इसीलिए मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये पिटीशन या पिटीशन लगाई है, जिससे इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा इस पर 5G के प्रयोग पर रोक लगाई जाए, इनका प्रयोग ना हो, जिससे ऐसी महामारी ना फैले जिससे हमारी मौतों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसलिए हमारी यह याचिका हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर पिटीशन के द्वारा लगाई है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।